लुधियाना की मुस्लिम कॉलोनी से एक मासूम बच्चे के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल में बच्चे को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया है। छात्र के साथ हुई बर्बरता से पिटाई के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल छात्र मुर्तजा की मां ने शिकायत की कि उनका बेटा जब घर आया तो वह दर्द से कराह रहा था। जांच करने पर उसकी जांघों और बैक पर डंडों के निशान थे। बच्चे के पैर के तलवे भी इतनी बुरी तरह से लाल थे कि उसे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। पूछने पर बेटे ने पिटाई की कहानी सुनाई। इसके बाद परिजनों ने तुरंत स्कूल पहुंचे और मामले की शिकायत की। इसने पेल्सिन मार दी थी। मैं बोल गई मगर इसको पढ़ाओ, सही से ध्यान रखो। बच्चों से ये पढ़ा था, ऊपर बच्चों से बुलवाया, बुलवा कर दफ्तर में बंद करा और इसके खूब मार लगा। इसके पहले भी मारा गया बच्चों को? जी पहले भी मारा है, दो दिन मारा है लगातार। पहले दो दिन मारा है? जी। जानकारी के मुताबिक बच्चे ने अपने साथी विद्यार्थी को पेंसिल मारी थी, जिसके बाद बच्चे पर दो दिन तक स्टाफ ने जुर्म ढाया। स्कूल प्रिंसिपल ने दो छात्रों से केजी में पढ़ रहे बच्चे के हाथ और पैर पकड़वाए और फिर उसके पैरों पर डंडे बरसाए गए। इस दौरान बच्चा रहम के लिए चिल्लाता रहा। एक लड़के के पेंसिल लग गई थी तो इसलिए मार दिया सर ने पकड़वा के। तो जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है वो स्कूल के प्रिंसिपल है या वहीं पर पढ़ाते हैं? प्रिंसिपल है। क्या नाम है प्रिंसिपल का? भगवान सर। हालांकि मामला बढ़ने पर स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से सफाई दी गई कि बच्चे ने किसी अन्य बच्चे को पेंसिल मारी थी। उस बच्चे के परिजन उसके पास शिकायत लेकर आए थे। छात्र को कई बार समझाया था लेकिन शरारत कर रहा था। पेंसिल यदि किसी बच्चे के नाजुक जगह लग जाती तो मामला बिगड़ जाता। बता दें कि इस घटना के बाद मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है।